हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश वाड़ा। मैं बात करने वाला रेनॉल्ट क्विड ईटेक ईवी के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो ब्राजील के अंदर स्पॉटेड हो गई है। इनमें बात करने वाला हूँ क्योंकि रेनॉल्ट क्विड का हमें इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो कि हमें ईटेक ईवी के नाम से जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें किस तरह के फीचर्स, चेंजेस, इंजन ऑप्शन या फिर जो ड्राइव रेंज हमें देखने को मिलने वाला है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो रेनॉल्ट क्विड का फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, जो कि हमें अदर कंट्रीज में अदर नेम से देखने को मिलता है, जिस तरह से हमें चाइना के अंदर हमें क्विड KZE के नाम से देखने को मिलता है, एंड यूरोपियन मार्केट के अंदर हमें डेकिया स्प्रिंग ईवी के नाम से देखने को मिलता है, एंड ग्लोबली ये हमें क्विड ईटेक के नाम से जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड जो ग्लोबल वर्जन जो कि हमें साउथ अफ्रीका या फिर जो ब्राजील के अंदर जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड फ्रेंड जो कार है फ्रेंड, ये हमें इंडिया के अंदर भी जो है वो शोकेस की गई थी, मतलब 2022 ऑटोस्पो पे जो है वैसे ऑफिशियली शोकेस भी किया था, एंड उसी से इंस्पायर्ड ये भी जो प्रोडक्शन वर्जन हमें इंडिया के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प डिजाइन, एलॉय व्हील्स, टेल लाइट्स, जैसे काफी सारे पार्ट जो कि हमें चाइना की जो क्विड ईवी के अंदर देखने को मिलते हैं उसी के जैसे ही जो हमें सेम ही देखने को मिलेंगे। पावर ट्रेन ऑप्शन जो कि हमें सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब डेकिया स्प्रिंग ईवी एंड जो क्विड KZE है फ्रेंड, उसी का ही सेम पावर ट्रेन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 26.8 किलोवाट की हमें बैटरी पैक देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें 250 से लेकर 300 किलोमीटर की जो ड्राइव रेंज है वो भी देखने को मिलने वाली है। एंड अगर मैं इसके पावर ट्रेन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 44 BHP का पावर एंड 125 Nm का जो टॉर्क है वो भी देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोरमेंट सिस्टम, जो कि हमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ, एंड इसके अंदर हमें दिया पार्किंग कैमरा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, LED DRL, एंड इसके अंदर हमें AC एंड DC फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ हमें जो क्विड ईवी जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड फिलहाल तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है रिवेल होती है फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लोग नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए हर ऑटोमेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।